प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, प्री एंट्रल स्टेज ऑफ फॉलिकल, और जहाँ पे एंट्रम आ गया तो सेकेंडरी फॉलिकल, ये भी सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, इसका ये वाला पार्ट, ये वाला मैग्नीफाइड पार्ट है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये वाले जो बैंड नजर आ रहा है आपको, कोरोना रेडिएटा, पोलर बॉडी, सॉरी जोना पेनिसिडा, पोलर बॉडी और ये कोरोना रेडिएटा, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक्रोसोम, हेड, मिडल पीस एंड टेल, यहाँ पे जो है ये स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है और फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई और पोलर बॉडीज, माइटोटिक स्पिंडल और ये पोलर बॉडीज, टू सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, मॉरुला, ठीक है, और ये ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मैस, आउटर सेल मैस एंड ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, इसमें भी वही है, इनर सेल मैस और एम्ब्रियोब्लास्ट, आउटर सेल मैस एंड ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये ओवरी का मॉडल है, इसमें ये ओव्यूलेशन के बाद जो है ये वो वाला सेगमेंट आपको दिखाया गया, ये वाले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, एंट्रल कैविटी, स्टिग्मा, ठीक है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम, उसका कट सेक्शन करके अंदर से ये येलोइश कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, और ये भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ये इसकी जर्मिनल एपिथीलियम और ये ओवेरियन वेसल्स। जिस तरह ये जो है बिल्कुल सेकंड वीक का है, ठीक है, सेकंड वीक का मॉडल है, ठीक है, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है आप देखो, ये एपिब्लास्ट, ये आपको बायलैमिनर जर्म डिस्क नजर आ रही है, ठीक है, उसमें अगर आप देखो ऊपर वाले पे लगा होगा, दिस इज एपिब्लास्ट, ठीक है, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट, इन दोनों क्यों, एपिब्लास्ट के और ऊपर जो क्या स्पेस होती है, एमनियोटिक कैविटी, और ये आपको अगर देखो व्हाइट सेल्स भी नजर आ रहे हैं एमनियोब्लास्ट के, ठीक है, ये नीचे वाली कौन सी कैविटी होती है, प्राइमरी योक सैक, और ये उसकी कौन सी लेयर होती है, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, एक्सट्रैम, ठीक है ना, ये वो मेम्ब्रेन होती है, ये आपको जो है वो मैटरनल यूट्राइन वॉल है, ठीक है, अब आपको इसमें जो है वो यही चीजें नजर आ रही है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एमनियोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी है, और नीचे क्या है ये, एक्स्ट्राम्ब्रियोनिक, नहीं दिस इज, हाँ ये यूसर्स मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये दिस इज योक सैक, और ये ऊपर क्या है, सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, हाँ जी, डेवलपिंग जो है वो सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट या डेवलपिंग प्लेसेंटा है, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज थर्ड वीक है, ये भी सेकेंड वीक ही है, ठीक है, दिस इज अर्ली सेकेंड वीक एंड दिस इज लेट सेकेंड। अब इसमें भी अगेन आपको क्या क्या नजर आ रहे हैं, दिस इज एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ठीक है, एमनियोब्लास्ट, एमनियोब्लास्ट के अंदर ये वाली कौन सी कैविटी होगी, एमनियोटिक कैविटी, ये वाली, दिस इज नॉट सेकेंडरी योक सैक, ठीक है, ये सारी क्या है आपके पास, दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलिया सिलोमिक कैविटी है ये, ठीक है, इसे कोरियोनिक कैविटी कहते हैं, ये क्या है, जो डीजेनरेटिंग एक्सोसिलोमिक सिस्ट, ठीक है, ये वाला, ये देखो नजर आ रहा है, जो प्राइमरी वेसिकल जो है वो अब डीजेनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी या कोरियोनिक कैविटी, कोरियोनिक कैविटी, इसके जो है दो उसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, ये देखो सारी सोमैटिक मेसोडर्म है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ भी जा रही है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंकनिक मेसोडर्म जो कि योक सैक को सराउंड कर रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है, ये क्या है, स्पाइरल आर्टरीज, स्पाइरल आर्टरीज, ये देखो यूट्रस की स्पाइरल आर्टरीज हैं, एंडोमेट्रियम में होती हैं, ठीक है, दीज आर द वीनस लैक्यूनी, ये क्या है, डेवलपिंग विला है, कोरियोनिक विलाएं हैं, और ये क्या है, फाइब्रन कोएगुलम जो होता है, जो उसको जहाँ पे डिफेक्ट होता है, इम्प्लांटेशन डिफेक्ट को कवर कर देता है, समझ आइए बेटा। ये देखो, ये फोल्डेड एम्ब्रियो है, इसमें आपको क्या क्या नजर आएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट हेड फोल्ड, ठीक है, दिस इज टेल फोल्ड, ये क्या है, सारे सोमाइट्स, इन पे लग जाता है, सोमाइट्स पे, हेड फोल्ड पे, टेल फोल्ड पे, ये क्या है, दोनों तरफ अपर लिम्बर्ड्स, लोअर लिम्बर्ड्स, और ये क्या है,
अम्बिलिकल कॉर्ड,